आपका नई क्लास बीए थर्ड ईयर में स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पूरा विश्व इस कोरोना नामक महामारी के दौर से गुजर रहा है। आशा करती हूँ कि आप घरों में स्वस्थ होंगे। घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। और जैसे कि आप सब लोगों को जानकारी है कि कोरोना की वजह से हम काफ़ी लंबे समय से मिल नहीं पाए हैं, तो आप लोगों का जो स्टडी के प्रति इंटरेस्ट है वो भी धीरे 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 ख़त्म होता जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों की स्टडी में किसी भी तरह की कोई दुविधा ना आए, इसीलिए हम लोगों ने इस ऑनलाइन क्लासेस का प्रोसीजर शुरू किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सब लोग थर्ड ईयर में आ गए हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को इतिहास विषय पढ़ाती हूँ, तो इस साल भी बीए थर्ड ईयर में ही मैं जाहिर सी बात है इतिहास विषय भी आपको पढ़ाऊंगी। गर्ल्स, जैसे कि आप सब गर्ल्स को पता ही है कि हर वर्ष आपके दो पेपर होते हैं। जैसे इतिहास विषय है उसमें दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। तो इस साल भी आपके दो पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। दो पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि भारतीय इतिहास बहुत लंबा है। लंबा होने के कारण बच्चों की सुविधा की दृष्टि से उसको तीन भागों में बांट दिया गया है। प्राचीन भारत का इतिहास जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास जो आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा, फिर आधुनिक भारत का इतिहास जो हम बीए थर्ड ईयर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, और जो आपका सेकेंड पेपर है वो है भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। ठीक है, भारतीय संस्कृति, हमारी संस्कृति, हम इसमें हमारी संस्कृति के बारे में जानकारी लेंगे कि हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। ठीक है बच्चों, तो जो आपका सेकेंड पेपर है भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, ये पेपर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। भारतीय संस्कृति की आधारशिलाएं या भारतीय संस्कृति की स्तंभ विशेषताएं क्या। ठीक है, तो आप सब लोगों को पता है कि आपके प्रत्येक पेपर में 5 मिनट्स होती हैं, तो सिलेबस आपका उसी तरह ही रहेगा। जैसे कि आपको सेकेंड पेपर है, ये तो सेकेंड पेपर में आपकी 5 मिनट रहेगी। जैसे कि पेपर फर्स्ट होगा तो उसमें भी आपके इसी तरह से 5 मिनट्स ही होंगे। ठीक है, तो हम भारतीय संस्कृति की जो आधारशिलाएं हैं, इस पेपर की जो पहली यूनिट है, आज हम उसके सिलेबस के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि हमारा पेपर क्या है। पहले तो हम बात करते हैं कि संस्कृति, संस्कृति किसे कहते हैं। देखो, हमारा जो रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, आचार विचार, जो कि लंबे समय से चली आ रही है, क्या है ये हमारी संस्कृति है। ये चली आ रही है और आज भी क्या है, चलायमान है। देखो क्या कहा गया है कि भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है। क्या विश्व में बहुत सारी संस्कृतियां आई, लेकिन वो क्या है, इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गई, लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी अपने उन्हीं सही अर्थों में जीवित है। तभी तो कहा जाता है कि रोम मिश्र यूनाना सब मिट गए, कुछ बात है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। तो ये हमारी संस्कृति ही है जो लंबे समय से, बाकी संस्कृतियां क्या है उनके बारे में अगर जानकारी लेनी है तो हमें इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ता है, लेकिन जो भारतीय संस्कृति है वो लंबे समय से चली आ रही है, आज भी चल रही है और आगे भी क्या है, चलती रहेगी। और ये जो हमारी संस्कृति, कहते हैं मिश्र रोम यूनाना सब मिट गए, कुछ बात है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। क्या वो बात है कि हमारी हस्ती नहीं मिटती, क्या आधार है हमारी संस्कृति का, क्या मेन है, क्या स्तंभ है हमारी संस्कृति का कि हमारी संस्कृति मिटी नहीं है, यही हमारा पेपर है। ठीक है बच्चों, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने रामधारी सिंह दिनकर का नाम सुना होगा, हिंदी के बहुत बड़े कवि हुए हैं, जिन्होंने क्या कहा है कि संस्कृति वह है जो जिस तरह कहते हैं ना, फूलों में सुगंध समाहित रहती है लेकिन हमें दिखती नहीं।
संस्कृति है, इसी तरह हमारी भारतीय संस्कृति है। ठीक है बच्चों, यह संस्कृति वो है जो व्यक्ति अपने पूर्वजों से ग्रहण करता है। ठीक है बच्चों, आगे चले। समझ आया कि हमारा पेपर क्या है? भारतीय संस्कृति। संस्कृति किसे कहते हैं और हमारी संस्कृति का क्या आधार है? ठीक है, उसी सब के बारे में हम इस पेपर में चर्चा करेंगे। तो आइए बच्चों, मैं आपको जो अपनी पहली यूनिट है उसके बारे में, जो हमारा सिलेबस है पहली यूनिट का, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो हमारी पहली यूनिट का जो हमारा पहला ही टॉपिक है वो है भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, कि क्या ऐसी हमारी संस्कृति की विशेषताएं हैं कि हमारी संस्कृति आज भी जीवित है। क्या विश्व में बहुत सारी संस्कृतियां आई जो आज सभ्यता बन के इतिहास के पन्नों में रह गई हैं, लेकिन हमारी संस्कृति आज भी जीवित है। क्या विशेषताएं हैं? तो हम उन्हीं विशेषताओं के बारे में इस टॉपिक में जानकारी लेंगे। और हमारा दूसरा टॉपिक होगा सैंधव धर्म। जैसे कि आप लोग सब लोगों ने BA फर्स्ट ईयर में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था, सैंधव सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता न केवल भारत की अपितु विश्व की सबसे महान और प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। पढ़ा था ना आप लोगों ने? पढ़ाया था मैंने ही। ठीक है, तो हमारा दूसरा टॉपिक होगा कि वो जो सैंधव धर्म के या सैंधव सभ्यता के लोग थे, ठीक है, उनका धर्म क्या था। ठीक है, आप सब लोगों को पता है कि भारत में सबसे पहले सिंधु सभ्यता आई और सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आई। ठीक है, तो हमारा टॉपिक रहेगा दूसरा टॉपिक सैंधव धर्म, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धर्म क्या था, धार्मिक विश्वास क्या थे, क्या मान्यताएं थी, किन देवी देवताओं में वो विश्वास करते थे, क्या वो आस्तिक थे, क्या वो नास्तिक थे, उनके धर्म के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, और तीसरा टॉपिक रहेगा हमारा वैदिक धर्म। जैसे कि मैंने आप सब लोगों को बताया सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता आई, वैदिक सभ्यता आई। तो ये जो वैदिक सभ्यता के लोग थे इनका धर्म क्या था, क्या सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक धर्म सेम था या उसमें अंतर था, इनके धर्म की क्या विशेषताएं थी, इसके बारे में हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। ठीक है, आप सब लोगों को पता है कि वैदिक सभ्यता के पतन के पश्चात छठी शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक नए धर्मों का उदय हुआ, जिसमें दो धर्म, वैसे तो कहते हैं कि 62 संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें दो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, बौद्ध और जैन। तो हम हमारे अगले टॉपिक में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में चर्चा करेंगे कि बौद्ध धर्म क्या था, किस तरह इसका उदय हुआ, इसके संस्थापक कौन थे और इस धर्म का आगे किस तरह से पतन हुआ, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इस धर्म की क्या विशेषताएं थी, क्या ये धर्म आस्तिक था या नास्तिक था। ठीक है, और फिर अगला टॉपिक रहेगा जैन धर्म, इसमें भी जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, जैन धर्म की क्या विशेषताएं थी, जैन धर्म के जो संस्थापक थे महावीर स्वामी, उन्होंने क्या अपने उपदेश दिए और उन्होंने समाज सुधार के लिए क्या क्या कार्य किए। इसी तरह जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, जिनका नाम सिद्धार्थ था बचपन का नाम, उन्होंने क्या उपदेश दिए, उनके उपदेशों को लोगों ने कहाँ कदर ग्रहण किया और कैसे इस धर्म का आगे विकास हुआ, इसके बारे में जानकारी बड़े लेंगे। और अगला टॉपिक रहेगा हमारा पौराणिक धर्म, इसमें हम पौराणिक पुराणों में जो धर्म है उसके बारे में जानकारी लेंगे कि पौराणिक धर्म क्या था। समझ आई सबसे पहली यूनिट का सिलेबस? तो आप साथ के साथ इस सिलेबस को नोट डाउन करते जाइए ताकि जब आगे आप अपनी क्लास को अपनी स्टडी को जब आप करेंगे, और आशा करते हैं साथ के साथ ही करते जाइए ताकि आगे आपको किसी तरह की दुविधा का सामना ना करना पड़े। तो आप सिलेबस को नोट डाउन करते रहिए ताकि आपको पता रहे कि हमारे पहले यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हैं और
कंटिन्यू करते रह जाए। और एक चीज और है बच्चों, मैं आपको यहाँ समझाऊंगी और समझाने के बाद जिस तरह आपके पास वीडियो पहुंच रही है इसी तरह आपको नोट्स भी मैं भिजवाती रहूंगी और आप सारी क्लासें अच्छी तरह से अटेंड करना। तो हमारे पहला टॉपिक रहेगा चर्चा का भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। तो बच्चों कल की क्लास में हम हमारा पहला टॉपिक पढ़ेंगे, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको किसी तरह की